कल कॉलेज नहीं आना, नहीं आना ना, बिना टिकट के भाई दोगे क्या लिफ्ट? ए भाई क्या हो गया भाई, बहुत हरामी लोग हमारे एचओडी। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो आज का अपडेट न्यूज मेरा दोस्त बताएगा कि आज हम लोग कहाँ खड़े हुए। कहाँ खड़े भाई? भाई हम लोग नबीपुर खड़े हुए। क्यों खड़े ये भी बता मैं सब्सक्राइबर लोग को। बड़ोड़ा जाने के लिए निकले थे, अभी मैसेज आया और लेक्चर सर कैंसिल्ड, तो चलते ट्रेन से उतर गए। अभी देखा तो ट्रेन है ही नहीं अभी अंकलेश्वर जाने के लिए भी। तो अभी हमको मजबूरी में यहाँ से पहले बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो न्यूज सुना था कि 7:30 बजे एक मेमो आती है जो लेके जाती है अंकलेश्वर। फिर मेरे को पता चला अब वो मेमो कैंसिल होके 11 बजे आएगी। Shit! तो अब बताओ हमको क्या करना चाहिए, स्टेशन के बाहर जाके कोई रिक्शा लेना चाहिए? अभी हम अपने पैरों पे खुद ही लात मारे, उतरे भी हम खुद ही और जा भी हम चल के खुद ही। तो देखते हैं अभी हमारे साथ पूरे लाइफ में क्या कांड होने लगा। और सुबह के बद रहे हैं साथ, वो ट्रेन रुक जाए तो मजा आ जाए। तू भाग के पकड़ लेगा? अरे रुक जाए तो कूद के चले जाएंगे भाई। अच्छा ऐसा। तो गाइस हमने एक डिसीजन लिया है, हम अभी स्टेशन के बाहर जाएंगे, वहाँ से रिक्शा वाले का पूछेंगे कि आप भरूच जाने का कितना रुपए लेते हो। अच्छी हमारी किस्मत फूटी है, सुबह के 5 बजे उठ के 5:30 बजे नहा के 6 बजे की रिक्शा पकड़ के 6:30 बजे की ट्रेन में बैठ के 7 बजे नवीपुर से घर जा रहे। हाँ 7 बजे नवीपुर पहुंच के वापस घर जा रहे। घर वाले को भी लग रहा होगा बंक मार रहे बच्चे लोग, बच्चे लोग की क्या पेरेंट्स लोग का फीस बर्बाद कर रहे। अब उनको क्या बताए जब रात को पूछते हैं कि कल छुट्टी है कि नहीं, तो टीचर लोग तो सो जाते। बहुत हरामी लोग है हमारे एचओडी। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अरे मुझे बोला था ईद है कॉलेज में, चूती कॉलेज जाने आज तो। तो अभी देखे हम लोग अभी जा रहे हैं स्टेशन के बाहर, यहाँ से भरूच 17 किलोमीटर है और भरूच से अपना घर 20 किलोमीटर है। तो देखते हैं अभी रिक्शा वाले से बात करें कितना रुपये ले रहा है। चुप कर पे कुत्ते, मैं तो कल भी आने का सोच रहा था, अब आऊं कि ना नहीं आज जा तो दीक्षित को बोल लेंगे भाई, आना है तो बता दे वरना नहीं आएंगे। वही ना, एक तो मैं ट्रेन आ रहा है सुबह सुबह। अच्छा नहीं यार, मस्त गलियों में जा रहे हैं अंशिल के साथ। ओ ये अब देखते हैं हमारे सफर में क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। हेलो जो नबीपुर लगते हैं अंशिल ने अपने पापा मम्मी को बता दिया। ओके भाई क्या हो गया भाई? क्या हुआ? लेक्चर कैंसिल नहीं है भाई। तो भाई हम लोग रास्ते में उतरे उसका क्या? कुछ नहीं, चलो हाईवे से बस पकड़ेंगे और क्या। रिक्शा वाला आया तो उसको बोल भर जाएगा, लेगा सारा 500 रुपये मांग। ना ना ना, कल से तो चल के जाएगा। 1 किलोमीटर का 30 रुपये दूंगा, उससे ज़्यादा तो नहीं दूंगा। क्या करे कॉलेज चालू है क्या कल? हाँ लेक्चर था कैंसिल, एक्सेप्ट इलेक्ट्रिकल। अभी ये सामने से रिक्शा वाला आ रहा है, अभी इसको अंशिल पूछेगा भरूच का कितना रुपया होता है। ठीक है भाई दोगे क्या लिफ्ट? ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। भरूच कितना होगा? भरूच ले चुके हैं रिक्शा कहने पे, देख ले रास्ता, देख ले अगली बार काम आएगा। अभी हम लोग आ चुके हैं भरूच के स्टेशन और यहाँ बातें चल रही है कि लेक्चर है कि नहीं अभी भी कंफर्म। अब तू क्या कहना चाहता है? मैं चाय पीने आया हूँ, आप पियोगे? नहीं, दूर से आए चाय पीने, वो भी बस नाबीपुर से आए इधर पे चाय पीने, अब यहाँ से घर जाएगी तो दिखाता हूँ चाय। तो भाई हम लोग चाय आ गई, हम लोग स्टेशन पहुंच गए, चाय भी पी लिए बिना टिकट के। अभी हम जाएंगे यहाँ से अंकलेश्वर, वो भी बिना टिकट के, तो चलो चलते। अभी ट्रेन आने वाली आधे घंटे में और अभी टाइम हो रहा है आधा घंटा बाकी, 31 भाई आधा घंटा बाकी। तो बस हमको कितना मिनट लगेगा जाने में? ट्रेन आएगी 9 बजे के आसपास, पहुंच जाएंगे 9-10 के आसपास घर के मतलब स्टेशन पे। तो हमारे सीआर को सब लोग कॉल कर रहे और पूछ रहे कि अपडेट क्या है। छुट्टी है भाई,
अब तो जाना ही नहीं है। और कल का अपडेट क्या है? कल का अपडेट जिसको आना हो वरना मत हो। कल विसर्जन है, विसर्जन के दिन छुट्टी चाहिए। हाँ तो दिए ना, हाफ डे दिए ना भाई, तो क्वेश्चन है, मेरे को तो पूरा विसर्जन चाहिए। तो अभी हम लोग ने ट्रेन का वेट कर रहे हैं, हमारा कुछ आधे घंटे तेजस आ रहा है। तेजस तेजस नहीं है वो, अच्छा बताना नहीं था व्लॉग में। ओके भाई, ये अंकल बीच में क्या कर रहे? अंकल उठा रहे अपना कचरा। अच्छा तो गाइस अभी हमको न्यूज मिला है कि हमारा जितना भी जनरल का डब्बा है वो सारे के सारे आगे वाले इंजन से जुड़ा हुआ है, और हम लोग खड़े हुए थे पीछे। क्या गाड़ी आ गई? अबे अभी तो S5 ही हम लोग पहुंचे। तो गाइस हमको अभी मजूनी भागना पड़ेगा, अभी आपको ट्रेन में बैठ के दिखाते हैं कि हम लोग कहां पहुंचे। तो ये हम बैठ चुके हैं, खड़े हैं, सॉरी खड़े, वो भी यहाँ से कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर 18-17-13-14 होगा, जितना भी रुपया होगा, सॉरी जितना भी किलोमीटर होगा। बस हम लोग 10-20 मिनट वहाँ पहुँच जाएंगे अपने अंकलेश्वर, फिर वहाँ से रिक्शा पकड़ के हम अपने घर। और कल कॉलेज नहीं आना, नहीं आना ना, तारी कर दे तोरी बहन के चोदम देखते। फाइनली हम लोग अपने कहाँ पहुँच गए, डेस्टिनेशन अंकलेश्वर सिटी। यहाँ से अभी हम लोग अपना रिक्शा पकड़ के दोनों अपने अपने घर जाएंगे। घर जाके मम्मी को बताएंगे कि मम्मी यार रिक्शा कैंसिल हो गया। ठीक है तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, और आने वाले 19 तारीख को आप लोग को मैं बताता हूँ कि केदारनाथ कैसे जाते हैं। ठीक है, ट्रेन में, ट्रेन में। बाय बाय, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।